नमस्कार दोस्तों, प्रार्थना पत्र 156 सीआरपीसी से दिया जाए, एफआईआर रजिस्टर्ड ना हो, कोर्ट कंप्लेंट में केस रजिस्टर्ड करने का आदेश कर दे, या सीधे 190 सीआरपीसी में दिया जाए। भाई जब भी प्रार्थना पत्र दिया जाएगा, कोर्ट अगर किसी केस को कंप्लेंट में ट्रीट करती है तो उसके बाद 200 सीआरपीसी में कंप्लेनेंट का स्टेटमेंट, 202 सीआरपीसी में जो भी उनके विटनेसेस हैं उनका स्टेटमेंट कोर्ट रिकॉर्ड करेगी। रिकॉर्ड करने के बाद जब भी अगर पर्याप्त आधार मिलता है कि ग्राउंड्स हैं ऐसे मामले में जो प्रपोज्ड अक्यूज थे उनकी अब तलबी की जानी चाहिए, तलबी के लिए उनके आदेश का जारी की जानी चाहिए, तो कोर्ट तलबी आदेश जारी कर देगा। अब जब अगर तलबी आदेश जारी हो जाएगा तो भाई जो भी अक्यूज्ड हैं उन्हें कोर्ट में अपीयर होना पड़ेगा, अपनी बेल करवानी पड़ेगी, और अगर मान लीजिए एलिगेशन ऐसे हैं तो हो सकता है जमानत ना हो, जेल भी जाना पड़ जाए। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आपको मैं जो जानकारी देने वाला हूँ बहुत ही महत्वपूर्ण है, और वो जानकारी इस संबंध में है कि क्या अगर 204 सीआरपीसी में कोर्ट आदेश का जारी करती है, इशू ऑफ प्रोसेस होता है, तो उस सिचुएशन में क्या उस तलबी आदेश को रिवीजन में चैलेंज करें या 482 सीआरपीसी में चैलेंज करना बेहतर रहता है। तो फ्रेंड्स, पूरी जानकारी के लिए वीडियो में अंत तक बने रहें। जब भी अगर मान लीजिए 204 सीआरपीसी में कोर्ट इशू ऑफ प्रोसेस कर देती है, आदेश का जारी कर देती है, तो जो भी एक्यूज्ड होते हैं उनके लिए ये बेहतर विकल्प होता है कि समय रहते वो रिवीजन फाइल करें। लेकिन कभी कभी जानकारी नहीं मिल पाती है, तो ज़्यादा बेहतर विकल्प यह है कि और अच्छी रेमेडी यह है कि आप 482 सीआरपीसी में हॉनरेबल हाई कोर्ट पर फाइल करें पिटीशन, और उस आदेश को क्वेशिंग के लिए प्रेयर करें। फ्रेंड्स, मैक्सिमम मैटर में ये भी बता दूं कि क्वेश होता नहीं आदेश, कोर्ट करती क्या है कि उस ऑर्डर को यानी जो 204 सीआरपीसी में तलबी आदेश पारित हुआ था उसको कोर्ट सेटिस्फाइड कर देती है क्वेश करते हुए, और इसके बाद फ्रेश रिकंसिडरेशन के लिए उस मैटर को वापस से उसी कोर्ट के पास भेज देती है। मीन्स आप साधारण समझिए कि जो आदेश पारित हुआ था न्यायालय उस आदेश को ख़त्म कर देती है, रद्द कर देती है, और कोर्ट को दोबारा आदेश पारित करती है कि कोर्ट दोबारा से नए सिरे से इस मामले को सुनकर फिर से विधिपूर्वक जो भी विधिक आदेश हो वह पारित करें। तो फ्रेंड्स, इस सिचुएशन में अगर आप गलत तरीके से फंसाए गए हैं, एलिगेशंस गलत हैं, तो आपको रिलीफ मिल जाएगा, नो डाउट ऑर्डर सेटिसफाइड हो जाएगा। मान लीजिए आपके अगेंस्ट बेलेबल वारंट इशू हो गया था या नॉन बेलेबल वारंट इशू हो गया था तो वो भी रद्द हो जाएगा, और दोबारा से फ्रेश रिकंसिडरेशन में अगर आपके विरुद्ध कोई आरोप नहीं बनता है तो उस सिचुएशन में आप हो जाएंगे आरोपों से बरी, और रिकंसिडरेशन में आपको इतना बेनिफिट मिल सकता है कि दोबारा से कोर्ट जो तलबी आदेश था वह कहीं ना कहीं नए आदेश पारित करने में तलबी आदेश खत्म हो जाए, ऑटोमेटिकली आपको रिलीफ मिल जाए फिर। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और ऐसी जानकारी के लिए नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके रखें ताकि जो भी वीडियो इस चैनल पर अपलोड किए जाते हैं उनका नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। थैंक यू।